हाय, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेल्फ हेल्प में। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल दाल बना रही हूँ, बाहर हो रही है बारिश तो मैंने सोचा क्यों ना आज दाल और रोटियाँ खाई जाए, क्योंकि सबके गले में दर्द है तो दाल का जो ग्रेवी होती है उसको पी के थोड़ा सा गला ठीक हो जाता है, क्योंकि ये दाल जो बना रही हूँ वो गर्म होती है। वैसे हमारे इसमें उसको गहुँत की दाल बोला जाता है, पर मुझे नहीं पता कि आप तो इसमें उसको क्या बोलते हैं, बट जो भी आपके उसमें बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि हमारे इसमें इस दाल को ये बोला जाता है। तो आइए देखते हैं कि मैं किस तरीके से ये दाल बनाती हूँ। सबसे पहले हमें कुकर डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे तेल। जितना आपको तेल चाहिए उतना डाल दिया। देखिए तेल मैंने डाल दिया है। अब जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा उसमें जो मैं रोज़ डालती हूँ, देखा होगा हर सब्जी में डालती है, लहसुन प्याज टमाटर ये डाल दूँगी। और जो दाल मैंने धो के रखी हुई है आप देख सकते हैं, एक ये लाल मसूर की दाल हो गई और ये वाली दाल मैंने ये भिगो के रख दी है। भिगो के क्या, धो के रखी है सिर्फ। अब मैं इसको सीधे बनाऊँगी। आप चाहो तो इस दाल को उबाल के भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसको नहीं उबालूँगी, सीधा डायरेक्ट बनाऊँगी। थोड़ा सा जो है अदरक भी छोटा छोटा पीस में कट कर लिया है। अब हम तेल देखते हैं, ये भी गर्म नहीं हुआ है, जब गर्म हो जाएगा तो इसमें से जो है धुआं आने लग जाता है। पर सरसों के तेल में बनाते हो हमेशा खाना, आप जो सा खाते हो तेल वो तेल आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी, मैंने डाल दिया है जीरा, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है ये एकदम ये राई, थोड़ा सा डाल दिया मैंने हींग और डाल दिया है ये लहसुन और अदरक। अब इसको हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे। ये देखिए लहसुन हमारा भी हो रहा है, हुआ नहीं है ठीक है। उसका जो कच्चापन है पता ही होगा आपको, वो हम थोड़ा सा इसका अगर हम इसको पकाएंगे कच्चापन इसका चले जाता है, इसलिए हमको इसको अच्छे से ब्राउन होने देना पड़ता है, क्योंकि जो उसकी महक होती है लहसुन की वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज आप जितना डाल सकते हो उतना डाल सकते हो, जितना आपको डालना है उतना आप डाल सकते हो। ठीक है, अब इसको भी हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। अब इसको भी ब्राउन होने देंगे। ब्राउन होने के बाद हम इसको डालेंगे टमाटर। ये देखिए प्याज जो है हमारा ब्राउन हो रहा है, अभी हुआ नहीं है अच्छे से। तो ये देखिए प्याज एकदम ब्राउन हो चुका है हमारा। डाल देंगे हम टमाटर, टेस्ट के अकॉर्डिंग, हर चीज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना पड़ता है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको पता ही है किसी का टेस्ट अलग होता है। अब हल्दी में भी हम बता नहीं सकते ना, कोई हल्दी ज़्यादा खाता है कोई हल्दी कम खाता है, और नमक थोड़ा सा पता नहीं, क्योंकि आज जो ये दाल है इसका सूप जो है मैं अपने बच्चे को खिलाने वाली हूँ, क्योंकि उसका जो है हाथ ही एकदम जाम हो रही है। बहुत सिंपल से मसाले मैंने डाल रखे हैं, क्यों इसको हम अच्छे से भूनने देंगे। मसालों के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल रखा है ताकि मसाले जले नहीं और ये अच्छे से टमाटर वमाटर है वो गल जाएंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ। अब आराम से ये हमारा एक दो मिनट तक इसको मैं पकने दूँगी, उसके बाद दाल डालूँगी। ये देखिए हमारा टमाटर जो है एकदम गल चुका है, आपको दिख रहा होगा, ये दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए हमारे मसाले एकदम तैयार हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल जो हमने धो के रखी हुई है, दाल जो है मसालों के साथ मिक्स कर ली है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, पानी हमें कितना डालना है जितना आपको चाहिए, एकदम ज़्यादा भी मत भरना कुकर को कि ताकि वो जब सीटी आएगी तो बाहर निकल जाएगा वरना पानी। अगर पानी कम भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम बाद में इसको बढ़ा सकते हैं पानी, लेकिन ज़्यादा कम भी मत रखना वो जल जाएगा, ज़्यादा भी मत रखना क्योंकि कुकर से बाहर निकल जाएगा। इतना दाल रख इतना पानी रखना कि जो दाने हैं वो अच्छे से छिप जाए नीचे, वो बिल्कुल भी दिखे नहीं ऊपर,
इतना पानी आप रख सकते हो। अब मैं इसको कम से कम दूंगी 4 से 5 सीटें, क्योंकि मैंने इसको उबाला नहीं है तो मुझे इसको सीटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दाल में सीटी आ रही है। ये है रागी का आटा और इसमें गेहूं का आटा, रागी का आटा मैंने मिक्स करके ये आटा बना रखा है। ये भी बहुत गर्म होता है, बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो मैं सोच रही हूँ आज ये दाल और ये रागी के आटे की रोटियाँ आज मैं बनाऊँगी। ये देखिए दाल जो है बनके एकदम रेडी है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं दाल बनके है रेडी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने बना रखे रागी की रोटियाँ, ज़बरदस्त। ये देख सकते हैं, ये मैंने हाथ में पानी लगा के बनाती हूँ, कोई मैं इसमें सूखा आटा नहीं लगाती। हाथ में थोड़ा सा पानी गीला कर लिया हाथ, उसके बाद मैं इसको बनाती हूँ बिना बेलन के। बहुत ही टेस्टी होता है, बना के ज़रूर देखना एक बार। आई होप गाइस कि आपको मेरी जो रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।